मतलब सीमा से बोल गए जो अगर ये जासूस ना निकली तो इसकी बहन को मैं लेके आऊंगा। 2020 में बातें करी थी इसकी बहन से, तो तब प्रीति नाम भी ना बताया उसने मुझे, धोखे में रख रहा हूँ। फोटो देखी है? फोटो देखी है, वीडियो कॉल पे देखी है, इससे भी तकड़ी है। ये तो चार बच्चों की माँ है, वो कुआरी है, प्लस इससे तकड़ी है। क्या सोच है रे तेरी? तड़प ही ऐसी है ना। अगर कोई व्यक्ति आपका नाम बिगाड़कर आपसे बात करता है, आपका नाम बिगाड़कर आपको बुलाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है सेक्शन 499 और 500 के तहत। उस व्यक्ति को 2 साल की सजा हो सकती है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बड़े बदतमीज हैं आप। अरे बड़े तो घर पे हैं, मैं तो छोटा हूँ। कोई है? मैं हूँ ना। चल चल बदतमीज। ओए बदतमीज नहीं हूँ मैं, बहुत शरीफ आदमी हूँ। यकीन ना आए तो मोहब्बत करके देख ले। शक्ल देखी है आईने में? हाँ, अगर कोई खूबसूरत लड़की देखती है ना मेरी शक्ल, तो देखती ही बेहोश हो जाती है। मैं तो नहीं हुई। खूबसूरत लड़की की बात की है मैंने। इमोशनल। सर मुझे एक डाउट है सर, सिर्फ हम गिने चुने बच्चों को क्यों बुलाए गए? बड़ा हमने क्या किया है, हमने जितने भी हमारे क्लास में सुपर टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, होशियार, समझदार, आइंस्टाइन, देश के जो बड़े बड़े कलाकार होने वाले लोग हैं ना, उन सबको घर छोड़ दिया। और जितने भी बचे हुए निकम्मे, निठल्ले, कमीने, कुत्ते, घटिया इंसान, फालतू आदमी, बेरोजगार, कभी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, जिनका फटे हुए कौन है बसना सर, वो क्या है ना, तुम हमारे देश के फ्यूचर हो। वाह तारीफ कर रहा है। और मुझे फ्यूचर का बहुत टेंशन है। साला बेइज्जती कर रहा है। तो हमारे कॉलेज में ये रूल लगा के तुम जैसे लोगों को बुलाया है। अच्छा लगता है ये रूल टीचर्स में भी लगाया गया है, इसलिए से सर प्रेजेंट है। बोलो क्या बात है? हमें लिए हुए बहुत दिन हो गए, दे दो ना एक बार। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये? साड़ी दिला दूंगा। नहीं चाहिए। अरे एक बार, हीरो का हार दिला दूंगा। हाँ, अरे बोला ना, नहीं चाहिए। अच्छा गाड़ी दिला दूंगा, बस एक बार दे दो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भैया भैया मेरी मार लो, लेकिन एक बाइक दिला दो। अफोर्ड करना किसे आसान है, जाती बीवी या गर्लफ्रेंड अवामी? जवाब इसका ये है कि गर्लफ्रेंड जो है ना, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो कैसे? मतलब भाई आज है कल नहीं है, लेकिन बेगम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो छोटा छोटा करके बहुत खर्चा करवा लेगी गर्लफ्रेंड, ये 2-3 शॉटों में आपको लूट ले, छोटे छोटे 2-3 शॉटों में। रहा नहीं जाता, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? हरामी हो, 2-3 बारियों में ही आप खत्म हो जाओ। सिकंदर भाई जवानी, लंबे बाल, एक स्मूथ रन अप, पेस, बाउंस, एक्यूरेसी, स्विंग, लेफ्ट आर्म, पेस। रुलाएगा क्या इतनी तारीफें कर दी? मैं वसीम अकरम की बात कर रहा अच्छा। था। अच्छा भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेलकम टू असलम अनाए, बड़ी हमारी खुश नसीबी। थैंक यू वेरी मच। आप आए और गेस्ट की कमी भी थी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मजबूर थे आप? नहीं नहीं, मैं मजबूर नहीं था, प्रोड्यूसर मजबूर। गजब बेइज्जती, दिल से बुरा लगता है भाई। अच्छा सिकंदर भाई ये बताइए, मूछें आप हमेशा से रखते हैं, सिग्नेचर लुक है आपकी, मूछें भाभी का कहना है या आपने खुद से ये बड़ा रखी? बेगम का तो आपको पता है कि ने, मुझे नहीं पता आपकी बेगम है। बड़ा हरामी हो बेटा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो। कैरी जी हमसे शादी कर लीजिए। नहीं स्त्री, अब मैं एक बाप बन चुका हूँ, जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पे, तुम बाकी महिलाओं की तरह बीटीएस से दिल लगा लो।
तो ये आपको ये फांसी की सजा क्यों हो रही है, मृत्यु दंड क्यों मिल रहा है? भैया आज से 4 साल पहले हमारी शादी हुई थी, ये धर्म पत्नी है हमारी, तो शादी के बाद ये बोली कि हमें जो है वकालत की पढ़ाई करनी है, तो हम बोले ठीक है हम करवा देंगे। ठीक है समरिया। तो दिन रात मेहनत की, हालांकि वकील भी बन गई हैं ये, पर वकील बनने का इनको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा था, तो हमसे बोली कि आप एक काम कीजिए, कोई छोटा मोटा क्राइम कर दीजिए जी, ताकि फिर उसके बाद इसमें हम आपको छुड़ा लेंगे, मार्केट में नाम हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस होती रहेगी। हाँ, और मतलब लोग जो है फिर आने लगेंगे मेरे पास भी। सही सही सही। तो हम गए बगल के घर में, हमने जो है मतलब चोरी चकारी चोरी करने चले गए हम, ठीक है। उसमें चोरी के दौरान क्या हुआ कि हाथापाई हो गई, उसमें जो है सामने वाला जो उनको ज्यादा चोट लग गई और उसकी वजह से वो जो है मर गए मतलब। यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर हमको ऐसा 10 जन्म भी मिलेगा ना, तो इनके लिए हम 10 जन्म भी फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान भाई बहुत अच्छा कंट्री है, ठीक है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हर नेमत दी है एज अ रिसोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ वो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हेलो सुनो भैया, आप क्या काम क्या करते हो? लेबर का काम करता हूँ मैं तो। अच्छा, कभी आपको ऑनलाइन प्यार हुआ है? हाँ हुआ है। कितने साल का रिलेशन था? 3 साल का रिलेशन था, 3 साल में 3 लाख रुपए दे चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, नाम क्या था उसका? उसका नाम था एंजल प्रिया। अच्छा अच्छा भैया, आप क्या काम करते हो? मैं भी यही करता हूँ लेबरगिरी। अच्छा, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो? हाँ जी। कितने फॉलोवर्स हैं आप? 5K। नाम क्या है आपका? एंजल प्रिया। काम करो तुम। क्या आपने काम ही कर रही हूँ? आप क्यों लड़ रहे हैं? अभी दीवार है, उसको छोड़ो उसको। मैम आपको पता है इसने क्या करा है? क्या करा है? छोड़ो पहले उसको, छोड़ो फिर मेरे बात। मेरे एरिया में घुस गया ये। आपका एरिया ये? हाँ। अच्छा, बहुत बड़े गैंगस्टर हो आप। गैंग ही है हमारी, पूरे मार्केट में हमारे लड़के फैले हुए हैं। अच्छा, बहुत बड़े गुंडे हो आप। और क्या, कट्टा भी है मेरे पास। कट्टा है? आप अवैध हथियार रखते हो? अवैध हथियार, भाव भिखारी कहते हैं, जहाँ मन करता वहीं बिछा देता हूँ। मेरी बाहों में रात जो गुजरे वो उम्र भर जैसी है, दिल जो दीदार मन बड़ी मस्ती करता तू। कैसा छिछोरा है बे, डेली डेली नारा ढीला होता जा रहा है क्या तेरा? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आई वॉन्ट अ गर्लफ्रेंड। मैम इसने कौन सा टेंस है? ये है फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस। इम्पॉसिबल टेंस। टू द स्टूपिडेस्ट थिंग यू हैव एवर डन, आई एम गोना गिव यू अ बिट ऑफ एडवाइस राइट नाउ जॉन। तूने पिंक पहना है तो तू गे है। ओ क्या बोल दिया, क्या बोल दिया रे। Real men wear pink. This led a lasting impression on the WWE champion. John Cena came prepared tonight. He brought an equalizer. गाइस मैं गया था एप्पल आईफोन शॉपिंग पे अपने इमेजिन स्टोर और लेके आया कुछ आईफोन्स। ये देखो मेरे पास पे नया आईफोन 15 है, 15 प्लस भी है, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स भी है। गाइस वैसे मेरा मन कर रहा था कुछ और आईफोन्स लिए जाए, थोड़ा सा लिस्ट को बढ़ाया जाए। Just kidding guys, ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम सबकी गांड चल सके। इस दुनिया में सिर्फ उसी आदमी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। क्या बात है, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा इज्जत। मनी, मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट सर। लंबी